पूरा संसार जानता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है। अभी आप देख ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीधी सीधी मूर्ति लगाकर जैसे देवताओं की पूजा होती है, तो ब्रह्मांड के देवता और हैं, नीचे के देवता पूरे देश, दो लोग देख रहे हैं कि हवन हो रहा है, तो अच्छी बात है, तो लोगों की श्रद्धा है, चलना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, मनमोहन सिंह जी जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल जी वहां थे और जब गए थे जी, तो सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री जो भाषा इस्तेमाल कर रहे थे अपने भाषण में, एक तरह से धमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कर रहे थे। वो देश के प्रधानमंत्री नहीं लग रहे थे। अगर उसका आप वीडियो देखें, वो सुने, मेरे पास इसमें मौजूद है, दिखाएं, आप कहें तो मैं दिखा भी सकता हूं। पूरा देश ने वो वीडियो देखा था जी। आपत्ति थी, आपत्ति दर्ज कराई, कल भी मनमोहन सिंह जी ने ये बात दर्ज कराई। तो ठीक है सर, वो तो अब वो मैं आता हूँ तो कर्नाटक की जनता। इस वक्त एक अपडेट सा बता देते हैं कि तमाम सीटों पर जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस से बीजेपी काफी आगे निकल चुकी है। जो आखिरी अपडेट हमारे पास थी उसमें यही थी कि तकरीबन 55 सीटों पर बीजेपी आगे है और 52 सीटों पर कांग्रेस आ गया। 3 सीट उसी पर आ चुकी थी, बढ़त बना चुकी थी और अब बीजेपी लगातार आगे चल रही है। शुरुआती रुझान जो सामने आने शुरू हुए थे, और अब देखिए आंकड़ा काफी बढ़ गया है। बीजेपी 76 सीटों पर आगे है जबकि कांग्रेस 71 सीटों पर आगे है। शुरुआत में आंकड़ा 8 और 20 का था, यानी 8 सीट पर बीजेपी आगे चल रही थी और 20 सीट पर तकरीबन कांग्रेस आगे चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे वोटों की काउंटिंग होती जा रही है, जैसे जैसे तस्वीरें सामने आती जा रही हैं, अब बीजेपी बढ़त लगातार बनाती जा रही है। तो वहीं जेडीएस भी सही परफॉर्म कर रही है। जेडीएस की कंसिस्टेंसी लगातार बनी हुई है। 16 सीटों पर जेडीएस आगे पहुंच चुकी है, बीजेपी 76 सीटों पर और कांग्रेस 71 सीटों पर आगे चल रही है मौजूदा वक्त में। पल पल के अपडेट आपको लगातार हम लोग देते रहेंगे किस तरीके से वोटों की गिनती आ रही है और किस पार्टी के तरफ क्या रुझान सामने आ रहा है। अजय जी, ये तो जनता का फैसला है, सरकार जिसकी बने लोकतंत्र में। लेकिन पूरा देश इस वक्त हर्ष में है, क्यों कि बेरोजगारी की दर खत्म हो गया, यहाँ हर आदमी को डबल डबल रोजगार। ठीक है सर, हम लोग सिर्फ चुनाव खत्म हो गया सर, यहाँ यहाँ नहीं नहीं बताना भी तो पड़ेगा। भारत जो है गरीबी की रेखा से निकल के अमीरी की रेखा में संसार में नंबर वन पहुंच गया है। सरकार के विधानसभा के वो बता दीजिएगा आप। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ सर, अगर कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने वोट पोलराइज करने की कोशिश की है धर्म के नाम पर, तो क्या कांग्रेस ने भी वही कोशिश नहीं की कर्नाटक में? कांग्रेस ये काम नहीं करा करती, सांप्रदायिक माहौल पे कांग्रेस पार्टी तो लिंगायत को अलग चुनाव नहीं लड़ा करती। लिंगायत था क्या था मामला था, वहाँ का जो 20% वो लोग है, 6% उनसे और कनेक्टेड है, और वहाँ से कनेक्टेड जो नेता है कांग्रेस पार्टी ने ना तो वहाँ जो भ्रष्टाचार के दलदल और आखंड में डूबो हुआ रेड्डी बंधुओं को कभी भी इस तरह के लोगों जवाब नहीं दे रहे कि आपका जो लिंगायत कार्ड जैसे लोग जो अपनी कुर्सी छोड़ गए आपकी जी, आपका जो लिंगायत कार्ड था सर, आपने कहा कि लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा हम दिलाएंगे, उसके पीछे मंशा क्या थी? क्या वो आप धार्मिक आधार पर वोट पोलराइज करने की कोशिश नहीं थी आपकी? नहीं नहीं नहीं, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर्वदलीय सर्व लोग रहते हैं, सारी जाति समुदाय के लोग रहते हैं, इसलिए लोकतांत्रिक कंट्री है, लोकतंत्र कायम है। अगर वहां पर उस समुदाय की कोई चीज थी, कोई मांग थी, तो हमने ये नहीं करा कि हिंदू मुस्लिम लड़ने का काम कर दिया। नहीं सर, हम लोग 5 साल का वक्त आपके पास था, आप सत्ता पर जब आसीन हुए थे आप तब भी बात कर सकते थे। ये मैच इत्तेफाक नहीं हो सकता कि चुनाव के वक्त आप लोग आ जाते हैं अलग धर्म का दर्जा देने के लिए।